नमस्कार दोस्तों, लिटिल आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्नो टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर बर्फ़ का वो बड़ा भाग होता है जो अपने भार के कारण नीचे खिसकता रहता है। यह बर्फ़ की धीमी गति से चलने वाली एक नदी होती है। सेकेंड है क्रेवास। क्रेवास ग्लेशियर की सतह पर पाए जाने वाली कटाव या दरार जो उसकी हरकत के कारण बनती है, क्रेवास कहलाती है। नेक्स्ट है बर्गसंड। बर्गसंड वो बड़ा क्रेवास होता है जो ऊपर वाले मेन आइस फील्ड को नीचे वाली पहाड़ी से अलग करता है, बर्गसंड कहलाता है। ग्लिसेड बर्फीली स्लोप पर नीचे बैठकर या फिर खड़े होकर अपना बैलेंस बनाते हुए नीचे उतरने का तरीका है जो ग्लिसेड कहलाता है। एवलांच बर्फ का वो अस्थिर ढेर जो एक या कई कण हरकत में आता है और ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी तेज गति से आता हुआ अपने रास्ते में आने वाले हर एक वस्तु, पेड़, मकान, कुछ भी हो, उसको दम घोटकर मारने की क्षमता रखता है, एवलांच कहलाता है। परग्लास पत्थर के ऊपर जमी हुई आइस की पतली परत जो कांच की तरह दिखती है, परग्लास कहलाती है। नेक्स्ट है सेरेक। आइस फॉल में पाए जाने वाला बर्फ का अस्थिर और खतरनाक टावर सेरेक कहलाता है। स्नोलाइन पहाड़ों की वो काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर हमेशा बर्फ पाई जाती है, स्नोलाइन कहलाती है। नेक्स्ट है मोरेन। मोरेन ग्लेशियर द्वारा नीचे लाया गया पत्थर और मिट्टी का ढेर, मोरेन कहलाता है। कॉर्निश कॉर्निश रिज लाइन के ऊपर हवा के कारण बनने वाली बर्फ का ओवरहैंग जो पहाड़ के लीवर्ड साइड में होता है, कॉर्निश कहलाता है। स्नाउट ग्लेशियर का बेस या अंतिम भाग जहाँ से ग्लेशियर से बनने वाला पानी झरने के रूप में बहने लगता है, स्नाउट कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe.